और अब हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जुड़ गए हैं। स्वागत है रघुवर दास जी आपका इंडिया वॉइस पर। रघुवर दास जी, सवाल यह है कि जिस तरह से झारखंड में हिंसा भड़की, किस तरह से देखा जाए, आखिर ये कौन लोग हैं जो पूरे देश का या झारखंड का माहौल खराब करना चाह रहे हैं? देखिए, कल रांची की जो घटना घटित हुई है वो हमें लगता है कि सरकार की लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है। लेकिन मेरा सवाल ये है रघुवर दास जी कि आखिर ये हिंसा भड़काने वाले लोग, ये नफरत फैलाने वाले लोग आखिर कौन है? जब से माननीय हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से राज्य में आपसी भाईचारा, जो झारखंड के सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण था, सबसे खराब होते जा रही है। रांची ने इसके पहले भी द्रोहरदगा में दो दो बार घटना घट चुकी है और उस समय के स्पेशल ब्रांच के डीएसपी ने राज्य सरकार को सचेत किया था कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं और लोहरदगा के दंगे में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का हाथ का अंदेशा दर्शाया गया था। और जो कल की भी घटना हुई, जब भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कि नमाज के बाद कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए प्रशासन सरकार सचेत रहे जी। लेकिन कल जो घटना घटित हुई है, आपने देखा सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी और एक पुलिस ने रोते हुए कि सर फोर्स भेजिए, फोर्स भरजिए, ये सरकार की विफलता को बताता है। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत झारखंड को जलाना चाहती है और इसलिए मैंने सरकार से मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि राज्य आपसे नहीं चलने वाला, आप अविलंब त्याग पत्र दे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही किसी वरिष्ठ को आप सत्ता की चाबी को सौंपे। रघुवर दास जी, क्योंकि ये सिर्फ हिंसा किसी एक राज्य में नहीं हुई है, देश भर के तमाम राज्यों में ये हिंसा हुई है, उत्तर प्रदेश के भी तमाम राज्य, तमाम जिलों में इस तरह के हिंसक प्रदर्शन देखे गए हैं, तब क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं एक साजिश है भारत को बदनाम करने का। जो विविधता में एकता हमारी विशिष्ट पहचान है भारत की, इसको कहीं ना कहीं कुछ उपद्रे तत्वों और राष्ट्र विरोधी शक्तियों का हमें लगता हाथ है। अब झारखंड में देखिए, आज तक कल 2:30 बजे की घटना है, दो दो लोग की मृत्यु हो गई, आज तक एक भी उपद्रवीकारी सरकार ने नहीं पकड़ी है। ये क्या साबित करता है? बाकी राज्यों में जहां जहां उपद्रव घटना हुई वहां की सरकार ने उपद्रवियों को पकड़ने का काम किया, लेकिन झारखंड में अभी तक एक भी उपद्रवकारी पकड़ में नहीं आई। ये जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले देश में लोग हैं, जो ये भारत का मान स्वाभिमान आज दुनिया में गौरव बढ़ रही है, तो राष्ट्र विरोधी शक्तियां, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग अब इस देश में, राज्यों में सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण खराब करके जो आज भारत विकास की प्रगति में आगे बढ़ रहा, उस पर ये लोग रुकावट करना चाहते हैं। यानी कि सीधे तौर पर यूं कहा जाए कि सरकार इस प्रदर्शन को, इस हिंसात्मक प्रदर्शन को रोकने में असफल रही, एकदम विफल रही है। और इसके पीछे क्या माना जाए, कि सिर्फ अपना वोट बैंक की राजनीति? निश्चित रूप से 100% इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 2.5 वर्ष के अंतरकाल में तीन तीन सांप्रदायिक घटना होना ये सिद्ध करता है कि दो दो बार लोहरदगा में घटना घटित हुई, इनके सरकार के स्पेशल ब्रांच के अधिकारी ने कहा तो स्पेशल ब्रांच के अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया एक मंत्री के दबाव पर, और कल की घटना के, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जहां दो लोग की मृत्यु हो गई, हमारे सीनियर पुलिस, अनेक पुलिस अधिकारी घायल है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी एक भी उपद्रवी गिरफ्तार नहीं होना, ये साबित करता है कि ये सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत
इस राज को जलाने का काम कर रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार लगातार एक्शन ले रही है, इन मुद्दों को लेकर एकदम से सख्त है, आज भी बैठक करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, आखिर ये सारी चीजें झारखंड में क्यों नहीं हो पा रही? यही तो दुखद बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक कोई भी चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी या डीजीपी के साथ बैठक नहीं की। ये साबित करता है कि ये पूर्व नियोजित सरकार के संरक्षण में बहुसंख्यक समाज को डराना धमकाना। अब आपने देखा कल रांची में, हमारा जो रांची में संकट मोचन मंदिर हनुमान जी का, उनके पुजारी पर हमला करना, मंदिरों को नष्ट करना, शीशे वहां तोड़ना, प्रेस के रिपोर्टर को मारपीट करना जी। हमारे एक बिहार के मंत्री, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन जी को अगर पुलिस नहीं रहते हैं तो उनकी गाड़ी को तोड़ फोड़ करना, उनकी जान को बचा के किसी तरह निकाला गया, एक गिरफ्तारी नहीं अभी तक। आखिर इस हिंसा के पीछे क्या मकसद समझा जाए? देखिए, मेरा हमें लगता है जी कि ये झारखंड सरकार जो वर्तमान में चल रही है, कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी शक्तियों जी, क्या ऐसे में जो पीएफआई है जी, और पीएफआई का एक पॉलिटिकल विंग है एचडीपीआई, जो मिलकर इस संस्था का काम, इस संस्था का काम है सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना। और इसीलिए जब हमारी सरकार थी तो झारखंड देश का पहला राज्य है जो हमने पीएफआई को बैंड किया था। ये सरकार आने के बाद उन शक्तियों का मनोबल बढ़ने का कारण ही आज तीसरी अढ़ाई साल के अंदर तीसरी बार सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके राज्य की शांति व्यवस्था अमन चैन को नष्ट करना चाहती है। ऐसे में सरकार की मंशा को किस तरह से समझा जाए कि सरकार क्या किसी एक विशेष समुदाय के लिए किसी दूसरे समुदाय के लोगों को नजरअंदाज कर रही है? निश्चित रूप से देखिए, सरकार कोई भी होती है, सरकार सबकी होती है जी। सरकार 3.25 करोड़ झारखंड की है, लेकिन ये वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज जो लगातार ये घटना घट रही है, ये सिद्ध करता है कि बहुसंख्यक समाज को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करना, ये एक टिकाई दर्शाती है। रांची में इतनी बड़ी हिंसा हुई, इसको लेकर अब बीजेपी की रणनीति क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा शांति और सद्भाव की राजनीति करती है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम सबके साथ न्याय की राजनीति करते हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास से 5 साल हमने भी सरकार चलाई थी। इसी तरह का 2015 में उसी हनुमान मंदिर के नजदीक दोनों संप्रदाय के लोग आसपास अगल बगल थे, हमने सड़क पर एक लोक सेवा की भूमिका अदा करते हुए हमने सड़क पर उतरकर हमने झारखंड की शांति व्यवस्था को बनाने का काम किया। लेकिन आज के डेट में कोई भी वरिष्ठ न अधिकारी गए, न चीफ सेक्रेटरी गए, न डीजीपी गए, न कोई मंत्री गए, न मुख्यमंत्री गए, तो अभी अभी अब बीजेपी की रणनीति क्या है? है कि अविलंब एसआईटी जांच करके इस जो कल की घटना जुलूस की आड़ में उपद्रवी ताकतों ने जो झारखंड को, रांची को जलाने का काम किया, उनको चिन्हित करे और अविलंब गिरफ्तारी हो, साथ ही साथ इस साजिश के पीछे कहीं पीएफआई या एसडीपीआई इस संस्था तो नहीं है जो झारखंड के में के आपसी संवाद वातों आप करना चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।
और हमारे लिए समय निकालने के लिए।